अरे दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक नया ही फ़ोन के बारे में, वीवो X21UD। दोस्तों वो फ़ोन अभी लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों उस फ़ोन में दोस्तों कुछ नया ही फीचर है दोस्तों। जैसे हमने वीवो V9 देखा था दोस्तों, ओप्पो F7 देखा था, लेकिन दोस्तों इससे कुछ ज़्यादा ही फीचर इसमें होगा दोस्तों। इसमें एंड्रॉयड 8.1 है दोस्तों, और इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों 6.28 इंच का है दोस्तों। इसका प्रोसेसर अभी ऑक्टा कोर है तो थोड़ा कम है। ये लोग बहुत प्रोसेसर इनको बहुत पुराना होता है, पता नहीं क्यों। और कैमरा वही है, 12 मेगापिक्सल है दोस्तों। रेवोल्यूशन 180 to 280 पिक्सल तक है। रैम है 6 GB, चलो रैम तो कम से कम सही दिया इन्होंने। रियर कैमरा दोस्तों 12 मेगापिक्सल है, और बैटरी वही है इनका 3200 mAh दोस्तों। और इसका रिलीज शायद होगा मार्च में होगा, 2018 में हो सकता है। वो मतलब हो गया है, रिलीज़ तो हो चुका है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते आगे क्या, क्योंकि ये फ़ोन अभी कम देखा गया है मैंने। ये फ़ोन रिलीज़ शायद अभी होगा नहीं जल्दी दोस्तों, क्योंकि इसमें भी बहुत फीचर आने वाला है। इसका जो फिंगरप्रिंट लॉकर है वो दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर ही रहेगा दोस्तों। ये इसका स्पेशल फीचर है दोस्तों, और इसमें आप एक्सपेंडेबल 128 GB तक वो कर सकते हैं, स्टोरेज इसका है दोस्तों, और उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं चाहें तो। 128 GB दोस्तों कम नहीं होता, और इस फ़ोन में सब कुछ है दोस्तों, लेकिन तब भी इसका प्रोसेसर बहुत वैसा है। अप्रॉक्सिमिटी सेंसर है दोस्तों इसमें, मतलब लाइट का भी सेंसर है और ग्रेक्सोस्कोप है दोस्तों। और इस फ़ोन में वाटरप्रूफ का इसमें कुछ लिखा नहीं है, वाटरप्रूफ जैसे फ़ोन में होता है ना वाटरप्रूफ, दोस्तों इसमें भी वाटरप्रूफ कुछ है नहीं। और ये इन्होंने एप्पल का कॉपी किया है, ये तो पक्का दिख रहा है, फ़ोन देख के लग रहा है इन्होंने एप्पल कॉपी किया है। वाइट कलर में शायद अनलेबल होगा, वाइट और ब्लैक कलर में ही होगा दोस्तों, और इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है, बाय दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को दोस्तों।